बनाने जा रहे हैं डाइटिंग के लिहाज से, हम मील प्रिपेयर कर रहे हैं, हम चिकन बना रहे हैं जिसमें हमने ऑयल यूज नहीं करना और उस चिकन को हमने विदाउट ऑयल ही बनाना है। तो सबसे पहले हमारे पास है ये तकरीबन 4 टेबलस्पून हमारे पास दही है और ये हमारे पास है कढ़ाई मसाला, आपकी चॉइस है। आप थोड़ा टेस्ट अगर चेंज करना चाहते हैं तो कढ़ाई मसाला डाल दें, अदरवाइज आप कोई भी घर के मसाले आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून में इसमें कढ़ाई मसाला ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। ये हम 1 सर्विंग बना रहे हैं तो इसलिए ये मेरे पास है तकरीबन ये 50 ग्राम होगी चिकन, ज़्यादा नहीं, तकरीबन दरमियाने साइज की बोनलेस की तकरीबन 4 छोटे छोटे पीस थे, 4 बोटियाँ थी, मैंने उनको बारीक बारीक काट लिया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे मैरिनेट करने के लिए। अब हम पैन रख के चूल्हा ऑन कर लेंगे और ये जो चिकन हमने मैरिनेट की थी ये हम सारी पैन में डाल देंगे। और लो फ्लेम पे, ये देख लें बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और इसमें ये विनेगर डाल देंगे, एप्पल साइडर विनेगर तकरीबन 1 टीस्पून। और हम आंच को अभी फ्लेम हम फुल कर देंगे और फिर इसको भून लेंगे। ये बिना ऑयल के हमारा चिकन रेडी है। ये देखें ये गल चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से, ये आप देख सकते हैं और बहुत ही जूसी है। और हम बंद कर देते हैं फ्लेम और इसको करते हैं डिश ऑफ। जी फ्रेंड्स, तो ये हमने एक अपनी प्लेट रेडी की हुई है। अब हम ये अपना चिकन पूरा इसमें डाल देंगे। ये यूं करके हमारा ये चिकन हो जाएगा और ये दही का रायता। मैं आजकल कर रही हूँ पोषण डाइट और उसकी मैं रेसिपी बना रही थी तो मैंने कहा मैं ये रेसिपी आपसे भी शेयर करूँ। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं मेरे साथ पोषण डाइट, पोषण डाइट में बस आपको मील थोड़ा कंट्रोल करना होता है। जैसे मैंने ये थोड़े से चावल लिए, तकरीबन ये 6 टेबलस्पून चावल होंगे, बिल्कुल प्लेन ऐसे मैंने बॉईल किए, मैं ऑयल वगैरह नहीं डाला। और ये सैलेड है और थोड़ा चिकन है और दही है, ये मेरा पूरे दिन का मील है।
तो चलें जी ठीक है, इजाज़त दीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को शेयर करें दोस्तों अहबाब के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।